हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आरक्षण वर्गीकरण मामले को लेकर एसी समाज के लोगों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और मांग न माने जाने पर विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार के विरोध का ऐलान किया। एसी समाज की ओर से प्रस्तावित भारत बंद के तहत बराड़ा अनाज मंडी में क्षेत्र के लोग सुबह 10 बजे से जुटने लगे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य गुलशन कुमार ने बताया कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में दिए गए निर्णय से एसी समाज के लोगों में रोष है। यह निर्णय भारतीय संविधान में दिए गए आरक्षण की मूल भावना के विपरीत है। बराड़ा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो है अनुसूचित जाति की जाति को वर्गीकरण और क्रिमिनल की जो बात कही गई है वो असंवैधानिक है, वो किसी तथ्यों पर आधारित नहीं है। जो बातें सुप्रीम कोर्ट करा पहले सुने धरातल पर जानना चाहिए कि इन लोगों की क्या दशा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो सरकारों की ड्यूटी बनती थी, इन लोगों के जो संवैधानिक अधिकार थे वो आज तक किसी भी रूप में लागू नहीं किए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं देखना चाहिए था कि भी जो इनके अधिकार मिलने चाहिए थे आज़ादी के बाद वो कहीं भी नहीं मिले। आप हमारे समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं, आप हमें जो है बैकलॉग नहीं भर रहे हैं, आप हमारे जो जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब के द्वारा दिए गए उनको लागू नहीं कर रहे हैं और हमारे में फूट डालने का अधिकार आपने दे दिया। क्या शेड्यूल कास्ट को क्या और लोगों में भी इस तरह की बातें आपने करी? क्रिमिनल की बात या रिप्रेजेंटेशन की बात जो आप लोगों ने जो फैसला दिया है साथियों को असंवैधानिक है। आज जो बराड़ा में बहुत हजारों की संख्या में जो है उसके प्रति रोष परिवर्तन है, मैं बताना चाहता हूँ भजन लाल ने भी इस प्रकार का करते काम किया था, कभी दोबारा नहीं बढ़ पाए। समाज को जोड़े और समाज के जो अधिकार है उनको दे, जो समाज पीछे रह गया है उनको भी अधिकार इस प्रकार से नहीं दिए जाते जो आपने अपनाया। उनके जो लेने की बात जो सरकार करती है उनको पढ़ाई में करे, उनको और योग्यता लायक बनाए, तो आपने वो काम करने की बजाय समाज में फूट डालने का काम किया जिससे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा रोष बनता जा रहा है और आने वाले समय में केवल ये हरियाणा में नहीं है, पूरे देश में नहीं है, विदेशों में भी इसकी चिंगारी है और इस सरकार को प्रेजेंट सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये लोगों ने जो है ना कसम खा ली है। और हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।